Hello everyone, I hope you all are doing well. Today the subject of my lecture is word formation processes. As we know that there are different processes involved in formation of words in English language, and we will discuss some of them in today's lecture and some of them in the next lecture. First of all, we have neologism. You know that neologism means that it is defined as a word or phrase which has recently been coined. So it's a kind of a new word or a new phrase. You can also define it as the act or instance of coining or uttering a new word. So neologism means the newly coined words or phrases. So here we have a story of neologism, how to create a word. We have a story like there was a person named as J. Murray Spangler, right? So he invented a device and that he called an electric suction sweeper. So he invented a device and that device was used for suction processes in order to clean carpets, in order to clean dirt from to suck dirt from the carpets, etc. So he invented that device, and that device could have been named as Spangler, right? And from that Spangler, we could have deduced the words like spangling, splanglering, splangered. These splangered and splangering could have been verbs, right? And we could also have coined a word like spanglerish. We could have also deduced another word or coined another word that is spanglerism. Had that device stayed, we could have deduced different words. Yani wo device agar rehti, वो डिवाइस अगर रहती तो उससे हम यानी अगर वो डिवाइस रह जाती तो उससे स्पेंगलर यानी एक डिवाइस का नाम भी दे सकते थे क्योंकि वो बंदे का नाम था. उस स्पेंगलर से फिर हम वर्ब बना सकते थे स्पेंगर्ड, जैसे यूं ही वर्ब बनते हैं. किसी नाउन से फिर वर्ब भी बनता है, वर्ब से नाउन भी बनते हैं. तो हम इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स बना सकते थे, स्पेंगरिंग, स्पेंगरिज्म एक्सेट्रा. बट हुआ कैसे कि डैट पर्सन मिस्टर स्पेंगलर sold his new invention to a local businessman called William H. Hoover. यानी उसने वो डिवाइस विलियम हूवर को सेल कर दी. फिर हूवर एक्चुअली हूवर हूज हूवर सेक्शन स्वीपर कंपनी प्रोड्यूस द फर्स्ट मशीन कॉल्ड हूवर. फिर उसकी एक जो सेक्शन स्वीपर कंपनी थी डिवाइस एक फिर बना ली जिसका नाम हूवर रखा. फिर हूवर से वी फाउंड डिफरेंट वर्ड्स लाइक द वर्ड हूवर विदाउट अ कैपिटल जो लेटर है उससे आप उसके अलावा जब यूज करते हैं हूवर लिखते हैं तो उसका मतलब है कि वैक्यूम क्लीनर डिवाइस. ठीक हो गया. सो दिस डिवाइस हैज बीन सो वी हैव गॉट अ न्यू वर्ड, वी हैव काइंड अ न्यू वर्ड दैट इज हूवर. फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दिस मिस्टर विलियम एच हूवर. ऑलराइट, हूवर के नाम से फिर हमने एक हूवर डिवाइस बना ली. फिर एक नया वर्ड काइंड हो गया. फिर उससे फिर वर्ब भी बन गया हूवरिंग, हूवर्ड एक्सेट्रा. यानी इस तरह हम फिर नए वर्ड्स भी काइंड करते हैं. हम पुराने वर्ड्स यूज ये नहीं ला सके, यानी स्प्लैंगर, स्प्लैंगलर, स्प्लैंगरिश, इस फिर उनका मतलब ये नहीं है. हमने दूसरे वर्ड यानी हूवर के नाम से एक डिवाइस बना ली. द पॉइंट ऑफ दिस स्मॉल डिटेल इज दैट ऑल्दो वी हैड नेवर हर्ड ऑफ मिस्टर स्प्लैंगलर बिफोर, वी रियली हैड नो डिफिकल्टी कोपिंग विद द न्यू वर्ड्स स्प्लैंगलर, स्प्लैंगरिश, स्प्लैंगरिज्म, स्प्लैंगरिंग, स्प्लैंगर. सो ये सारे कॉइन वर्ड कहते हैं कि हमने उसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन फिर भी हम न्यू वर्ड्स अडॉप्ट कर लेते हैं. स्प्लैंगलर इसका मतलब वो है यानी स्पार्क जो होता है, जो शाइन होती है. स्प्लैंगलर का मतलब वो है. अब इसका मतलब वो नहीं है कि जो डिवाइस उसने इजाद की. ठीक है, अब डिवाइस के लिए वी यूज द वर्ड हुआ. सो दिस इज द प्रोसेस इन विच वी कॉइन न्यू वर्ड्स, वी अटर न्यू वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स. किसी के नाम पे हम नए वर्ड बना लेते हैं. ठीक हो गया, किसी की चीज से रेफर करके हम कोई वर्ड बना लेते हैं. फिर उनके आगे से वर्ब्स निकल आते हैं, उसी वर्ड का फिर नाउन भी निकल आता है, उसी वर्ड का फिर एडजेक्टिव का वेरिएंट भी निकल आता है, यानी डिफरेंट कैल्क निकल आते हैं. लेट्स मूव अवर अटेंशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस. दिस इज एटिमोलॉजी इज द नेक्स्ट प्रोसेस, बट दिस एटिमोलॉजी इज नॉट काइंड ऑफ अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस स्पेसिफिक. दिस इज the study of the origin and history of a word. All right, etymology, in etymology you go deep into the study of the origin and history of any word. For example, if you go back, if you delve deep into the study
of origin, history of a word, you come to know that the origin of that word lies somewhere in Greek or Latin, etc. But now that word has been adopted by English. So this is the process. एक्चुअली आपको तभी पता चलता है कि उसके ऑरिजिन ग्रीक में है किसी वर्ड के, लैटिन में है या कौन सी लैंग्वेज में है, या अरेबिक में है या पर्शियन में है. तो आप वो इंग्लिश ने अडॉप्ट किया होगा, उर्दू ने अडॉप्ट किया होगा, तो आपको एटमोलॉजी यानी स्टडी के थ्रू ही पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें, एटमन ओरिजिनल फॉर्म और लॉजिया स्टडी ऑफ इज नॉट कन्फ्यूज इन एंटमोलॉजी. एंटमोलॉजी यानी वो अलग वर्ड है, एंटमॉन वो इंसेक्ट से रेफर करता है. When we look closely at the etymology as left technical words, we soon discover that there are many different ways in which new words can enter the language. There, हमें पता चलता है जब etymology इसकी study करते हैं less technical words की, हमें पता चलता है कि बहुत सारे processes हैं कि जिसके through नए words language में दाखल हो सकते हैं. तो कुछ words ऐसे भी थे कि जो कभी बहुत barbaric समझे जाते थे. The words once considered barbaric. So अब वो those words have been adapted into the language. So those words are being used in the language. अब वो modern English में वो use भी किए जाते हैं. For example, handbook था ये एक word, और aviation एक और word था जिनको कभी बहुत सख्त भी समझा जाता था, लेकिन वो अब use भी हो रहे हैं. तो हमें ये चीज़ तभी पता चलती है जब हम किसी word के origin और उसकी history को देखते हैं. So next, word formation process is borrowing. So this borrowing is a process in which we kind of borrow words from another language and we use them in the language we want. So for example, if you borrow a word from Greek, from Latin, and then you start using that word in English, or you make it an English word, that would be known as a borrowing. All right. लेकिन अब होता ही है कि आप देखें कि बारो करने का मतलब यह है कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू गिव दैट थिंग बैक टू द पर्सन विच यू बारो फ्रॉम. तो बारो तो ऐसी चीज होती है जो आप लेते हैं और फिर वापस भी करते हैं. बट इन केस ऑफ बारोइंग इन लैंग्वेज, यू डू नॉट गोइंग टू गिव इट बैक टू यू आर नॉट गोइंग टू गिव द वर्ड बैक टू द लैंग्वेज विच यू बारोड फ्रॉम. तो आप वो वर्ड वापस तो नहीं करते लैंग्वेज में. तो उससे आप कह सकते हैं कि दिस इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग जब आप यूज करते हैं बारो वर्ड लैंग्वेजेस के लिए. इसमें वो बारो नहीं होता बल्कि स्टीलिंग ही है, क्योंकि अडाप्टेशन है मुकम्मल, क्योंकि आप लेते हैं और फिर वर्ड वापस नहीं करते. सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बारोइंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. डोप इज अ वर्ड विच इज बेसिकली अ डच वर्ड, बट नाउ वी आर यूजिंग इट एज एन इंग्लिश वर्ड. Javel, glitzy, lilic, piano, pretzel. Piano is an Italian word, but now it is being used as an English word. Yogurt, etc. Blah blah blah. Here you can also see some other words, some other terms. For example, super makito or super. This is the Japanese word, but it has been borrowed it is being used as an English word, which is, and the spelling of this word in English is this supermarket, right? So this typewriter, this is a typewriter. This is also a Japanese word, but now it is being used as an English word. That is typewriter. So there are some other words as well which are being, for example, in Brazilian Portuguese language, you use words up and nerd, etc. But you have also borrowed. We have borrowed these words into English and we use them like to upload and to surf the internet. Upa is a Brazilian Portuguese word, but now we use it in English like this. Nerdier is also another Brazilian word, but we use it in English like this, to surf the internet, etc. So this borrowing is an act of adaptation or completely following a word in another language. So English borrow a lot of words from other languages and make those words and completely adopt those words. Next is loan translation processes. In loan translation process, you create a word or a phrase by word for word or morpheme for morpheme translation of a word or a phrase in another language. यानी आप इसमें वर्ड बाय वर्ड और ट्रांसलेशन
कर लेते हैं या मॉर्फिम फॉर मॉर्फिम ट्रांसलेशन कर लेते हैं एक वर्ड या फ्रेज की एक लैंग्वेज से जो दूसरी लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल हियर यू से दैट स्क्रैप स्काई ग्रैटिसियल, ये जो वर्ड्स हैं डच वॉलन क्रैबर क्राउड स्केचर, ये वर्ड्स हैं ये एक फ्रेंच के हैं, कोई डच का वर्ड है कोई किसका, तो इनको आप डिफरेंटली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. फॉर एग्जाम्पल ये वॉल्किन क्रैबर है तो इसको क्लाउड स्क्रैचर कहा गया है, ये वॉल्किन क्रैचर है तो इसको क्लाउड स्क्रैबर यहाँ भी कहा गया है. तो आप इसमें कंप्लीटली एक वर्ड को उसकी मॉर्फिम बाय मॉर्फिम या वर्ड बाय वर्ड उसकी ट्रांसलेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मेरे जहन में एक वर्ड आया वाटर शेड, तो ये वाटर शेड एक वर्ड है जो आप इंग्लिश में यूज होता है लेकिन ये कैल्क है जर्मन वर्ड की जिसको आप कहते हैं वासे शेडे. सो जर्मन से वासे शेडे से आप वाटर शेड आपने इंग्लिश में कर लिया है. अब एक और वर्ड देखें बॉय, अब इसमें मुख्तलिफ है कि आप जब सेम वर्ड्स हैं जो कभी कभी एक डिफरेंट लैंग्वेज में सेम वर्ड्स होते हैं उनको भी आप कर लेते हैं ट्रांसलेट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखें बॉय फिरेंडो, ये जैपनीज वर्ड है, आप इसको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट कर लिया है बॉय के लिए बॉय और फ्यूरेंडो के लिए फ्यूरेंड कर दिया है. अब यही चाइनीज में मेल फ्रेंड है तो उसके आप इंग्लिश में बॉयफ्रेंड भी कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आप वर्ड टू वर्ड और या मॉर्फिम टू मॉर्फिम ट्रांसलेशन कर लेते हैं एक वर्ड की दूसरे वर्ड. आप और एग्जांपल्स इसमें देख सकते हैं, ये इस पैराग्राफ में यू हैव सम मोर एग्जांपल्स एज वेल. नेक्स्ट प्रोसेस इज कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग इज सच अ प्रोसेस इन विच यू कंबाइन टू वर्ड्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वर्ड. ऑलराइट, देयर इज अ जॉइनिंग ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल फॉर्म. फॉर एग्जांपल लैंड एंड वॉर्ड, ये दो वर्ड्स हैं आपके पास, इनको आप कंबाइन करते हैं लैंड वॉर्ड बन जाता है ये जर्मन में यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को आप कंपाउंडिंग कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं और डोर नॉब, ये डोर अलग और नॉब अलग एक वर्ड था, देयर आर टू सेपरेट वर्ड्स, नाउ यू हैव कंबाइंड देम यू हैव जॉइंड देम टू टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपाउंडिंग. फिंगरप्रिंट, सनबर्न, टेक्स्टबुक, दीज यू हैव कंबाइंड टू डिफरेंट वर्ड्स टू कंबाइन, व्हेन यू हैव जॉइंड टू वर्ड्स यू हैव गॉट अ न्यू वर्ड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कंपाउंडिंग. Here you can also compound. Here you have found, we have seen that these are all noun, but we can also create compound adjectives as well. How? For example, good looking. This is the compound adjective. We cannot merely join two nouns to get a new compound noun. We can also join two words to get a compound adjective as well. For example, good looking, low paid. आप adjective भी ले सकते हैं. सिर्फ noun से ही हम noun नहीं बना सकते एक नया, बल्कि we can also form an adjective as well. Compounds of adjective, for example, you can also हम फिर adjective को noun के साथ मिला करके compound adjective, यानी compound एक word नया भी बना सकते हैं. For example, fast food restaurant. इसमें देखें आपने कंपाउंड एडजेक्टिव को एक नाउन के साथ जोड़ दिया है. फास्ट फूड रेस्टोरेंट फुल टाइम जॉब, यानी फास्ट फूड जहां पे कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया और रेस्टोरेंट एक नाउन हो गया तो इसको आपने जॉइन किया, तो आपके पास एक इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहेंगे और एक नया वर्ड या एक नई फ्रेज आ गई है. ठीक हो गया. सो नेक्स्ट प्रोसेस इज ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग में व्हाट हैपन इन ब्लेंडिंग, हियर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट फॉर्म्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल न्यू टर्म इज ऑल्सो present in the process called blending. So here you combine two separate forms from two different words. What is that? What do we mean by separate forms? We typically take only the beginning of one word and join it to the end of the other word. Yani hum ek word ka beginning wala part aur dusre word ka end wala part combine karte hain to inko blend karte hain to we get a new word. For example, smoke and fog में से we got SMO, SM of the first word and OG of the second word. We have got a new word that is smog. यानी इसका start वाला part SM था और इसका end वाला part OG था. So we have got a new word that is smog. In places where they have a lot of this stuff, they can jokingly make a distinction between smog, smaze,
So we can also have we can also get a new word like smaze from smoke plus haze. इसमें से आपने एक नया वर्ड ले लिया. स्मर्ग को भी आपने एक नया वर्ड हमने बना लिया स्मोक और मर्ग से. ठीक हो गया. इसी तरह हमने ब्रेकफास्ट और लंच से एक नया वर्ड बना लिया, जैसे ब्रंच है, यानी बी आर फर्स्ट वर्ड का और नेक्स्ट वर्ड का यू एन सी एच यानी सेकंड पार्ट लिया तो एक नया वर्ड बन गया. इसी तरह मोटेल और टेलीकास्ट एक्सेट्रा ये भी बन गया. चैनल और टनल को बना करके हमने एक नया वर्ड चैनल भी बना लिया. एक तो ये प्रोसेस हो गया. But this is not all about blending, all right? Sometimes we can also combine the starting at the beginning parts of both the words. Yani dono words ke starting wala part bhi hum jod sakte hain. For example, isme dekhen aap, khair, isme information plus entertainment bhi aapne isme first part aur second part ko combine kar rahe hain. Lekin kuch words mein aap first part bhi combine karte hain. Hum unme dekhte hain, for example, ye dekhen. This is an example of that thing. Italics is a word in which we are combine the beginning parts of two words. यानी इसमें आपने दोनों words के beginning part को जोड़ा है. देखें teleprinter exchange के beginning part को इसमें T E L को जोड़ा है और इसमें E X आपने इस word का बारू किया है. यहाँ पे T E L. So we have got a new word that is italics. इसी तरह modem is a word in which we have used the beginning part of two different words to form a new word. That is M O D of the first word and E M of the second word. So next process is clipping and hypocrisy, etc. So we will discuss the remaining word formation processes in the next lecture. अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं WhatsApp group में भी और जो भी आपके पास Google Classroom है सब channels में. Thank you very much for watching.